इमरान ने कार सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की पार्किंग में रोकी और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ सोपर फयाज के ऑफिस की तरफ बढ़ता चला गया। चपरासी ने उसे देखते ही बड़े मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया। तुम्हारा साहब मौजूद है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यस सर, अभी बड़े साहब के ऑफिस से आए हैं, चपरासी ने जवाब दिया और इमरान पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हुआ तो सोपर फयाज दोनों हाथों में सर पकड़े बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। क्या हुआ, क्या आप दिन को ख्वाब देखने की कोशिश कर रहे हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सोपर फयाज ने एक झटके से सर उठाया और आंखें खोल दी। उसकी आंखों में सुर्खी छाई हुई थी और चेहरे पर मौजूद तसरात बता रहे थे कि वो वाकई उस वक्त बेहद परेशान है। ये बताओ आखिर बाप बेटे को मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझे आज बताओ मैंने तुम दोनों का आखिर क्या बिगाड़ा है कि तुम दोनों ही मुझे जान से मारने के दर पे हो रहे हो, सोपर फयाज ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि कहीं उस रोज फोर स्टार्स के हेडक्वार्टर में फयाज ने इमरान को पहचान तो नहीं लिया था, लेकिन फिर उसने ये ख्याल झटक दिया क्योंकि उसे मालूम था कि फयाज किसी सूरत भी उसका मेकअप और लहजे को चेक नहीं कर सकता। क्या हुआ है, क्यों अपनी जान का मरसिया पढ़ रहे हो, क्या कह दिया है डैडी ने, इमरान ने मुस्करा कर कहा। कल मैं मरते मरते बचा हूं, न जाने उन बेरहम कातलों को मुझ पर कैसे रहम आ गया। मैंने तुम्हारे डैडी को रिपोर्ट दी कि वो मुझसे हमदर्दी करेंगे, उन्होंने उल्टा ना सिर्फ मुझे निकम्मा कहा, बुजदिल और ना जाने क्या क्या कह दिया और साथ ही हुक्म दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं इन कातलों को गिरफ्तार करूं वरना उनकी बजाय वो मुझे गोली मार देंगे। अब तुम बताओ क्या ये शराफत है कि एक आदमी की जान बच गई उसे इस तरह झाड़ दिया जाए और एक हफ्ते का वक्त दे दिया जाए, जैसे वो सफाक और बेरहम कातिल खुद ही मेरे पास आकर गिरफ्तारी दे देंगे, सोपर फयाज ने रो देने वाले लहजे में कहा। क्या मतलब, क्या हुआ कल, क्या वाकई तुम सच कह रहे हो, क्या कहीं फंस गए थे, इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मैं कल ऑफिसर क्लब गया, मैं एक राहदारी से गुजर रहा था कि अचानक मेरे नाक से किसी गैस की बू टकराई और फिर मुझे होश न रहा। होश आया तो मैं किसी तहखाने में राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ बैठा था। मेरे साथ दो और आदमी भी मौजूद थे जिनमें से एक का नाम रॉबर्ट और दूसरे का नाम रामसन था। वहां छह और अफराद भी मौजूद थे, उनका एक लीडर था बेहद सफाक और बेरहम। उसने बताया कि वो रेड सिंडिकेट का बक की मांदा ग्रुप है और चूंकि मैंने रेड सिंडिकेट को गिरफ्तार किया है इसलिए वो मुझे उसकी सजा देने यहाँ आए हैं। फिर उन्होंने मेरे मुंह में रुमाल ठोंस दिया, उसके बाद वो उन आदमियों की तरफ मुतवज्जे हो गए। उन दोनों ने दरअसल रेड सिंडिकेट के माल और मशीनरी पर कब्जा कर लिया था। फिर इस बारे में तफसीलात हासिल करके उन्होंने इन दोनों को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे मुंह से रुमाल निकाला और फिर उनके लीडर ने मुझसे कहा कि चूंकि मैंने रेड सिंडिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है इसलिए मैं अगर उसे 50 करोड़ रुपए अदा कर दूं तो वो मुझे जिंदा छोड़ सकता है, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मैंने सरकारी ड्यूटी सर अंजाम दी थी, सोपर फयाज ने तफसील बताते हुए कहा। अरे दे देने थे 50 करोड़, तुम्हारे लिए ये भी कोई रकम है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम 50 करोड़ कह रहे हो, मैं उसे इस मामला में 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं, मैंने कोई गलत कार्रवाई नहीं की और ना ही कोई जुर्म किया है जिसका मैं तावान पर हूं, मैंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है और बस, सोपर फयाज ने कहा। तो फिर तुमने उनसे वादा कर दिया होगा कि अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाए तो तुम आइंदा उनके खिलाफ काम नहीं करोगे, इमरान ने कहा। हाँ, उस लीडर ने ये शर्त रखी थी लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है कि मैं ड्यूटी भी दूं और मुजरमों के खिलाफ कार्रवाई ना करूं,
एक ही सूरत थी कि मैं इस्तीफा देकर घर बैठ जाता, लेकिन मैं ऐसा क्यों करता, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। सोफर फयाज ने कहा, तो फिर तुम जिंदा कैसे नजर आ रहे हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। उनके इस नामुराद लीडर ने तो रिवाल्वर का रुख मेरी तरफ कर दिया था और उसके चेहरे पर उभर आने वाली सफाकी से मैं समझ गया था कि वो गोली चला देगा। मैंने आंखें बंद कर ली और अल्लाह को याद करने लगा, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, उसने इरादा बदल दिया और फिर मुझे जरब लगाकर बेहोश कर दिया गया। उसके बाद मुझे होश आया तो मैं ऑफिसर्स क्लब के बाग के एक कोने में पड़ा हुआ था। जिंदा सलामत, सोपर फयाज ने कहा। तुमने 50 करोड़ रुपए वाली बात डैडी को बताई थी? इमरान ने कहा। हाँ, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने बजाय मेरे साथ हमदर्दी करने के या मेरी जिंदगी बच जाने पर मुझे मुबारकबाद देने के, उल्टा मुझ पर चढ़ाई कर दी कि मैंने अपने आप को इस कुर्सी से आजाद क्यों नहीं किया और इन कातलों और मुजरमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं बुजदिल और निकम्मा हूँ, अब तुम बताओ मैं इस कुर्सी में मौजूद लोहे के राड्स को किस तरह तोड़ता, क्या दांतों से, और अब नादिरशाही हुक्म है कि एक हफ्ते के अंदर मैं इन कातलों को गिरफ्तार करूं, वरना वो मुझे अपने हाथ से गोली मार देंगे। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? सोफर फयाज ने बेबसी से कहा। अपनी जिंदगी बच जाने का जश्न मनाओ और मुझे किसी अच्छे से होटल में खाना खिलाओ, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इमरान ने कहा। तुम और दोस्त, तुम बजाय मुझे मुबारकबाद देने के उल्टा मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, यही है तुम्हारी दोस्ती? उठो और निकल जाओ मेरे ऑफिस से, आई से गेट आउट, सोपर फयाज ने हलक फाड़ते हुए कहा। अरे अरे धीरेज, मुझे मालूम है जब तुम्हें बेपनाह गुस्सा आता है तो तुम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हो, और जितनी अंग्रेजी तुम्हें आती है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं एक हफ्ता तो एक तरफ एक घंटे के अंदर तुम्हारा मसला हल कर दूं तो फिर, इमरान ने कहा। मसला? कैसा मसला? सोपर फयाज ने चौंकर कहा। उन्हीं बेरहम कातलों वाला, इमरान ने कहा तो सोपर फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मालूम है कि वो कौन लोग थे? सोपर फयाज के लहजे में बेपनाह हैरत थी। हाँ, इमरान ने कहा तो सोपर फयाज की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलकर कानों तक पहुंच गईं। क्या क्या मतलब? कौन थे वो? सोपर फयाज ने कहा। क्यों बताऊं? सॉरी, क्यों बताऊं? मैं तो बस गेट आउट हो रहा हूं, इमरान ने उठते हुए कहा। अरे अरे बैठो बैठो, तुम तो मेरे इस सारी दुनिया में वाहिद दोस्त हो, इंतहाई अजीज तरीन दोस्त। वो तो बस मुझे तुम्हारे डैडी की वजह से जुलाट सी हो रही थी। आई एम सॉरी। बैठो, क्या पियोगे? मैं तुम्हारे लिए मशरूब मंगवाता हूँ, सोपर फयाज ने बड़े मीठे लहजे में कहा और जल्दी से घंटी बजा दी। दूसरे लम्हे चपरासी अंदर आ गया। मशरूब की दो बोतलें हमारे लिए ले आओ और एक तुम खुद पी लेना, सोपर फयाज ने चपरासी से कहा, तो चपरासी सलाम करके मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। ये चपरासी को किस खुशी में मशरूब पिलाया जा रहा है? तुम मुझ पर यह साबित करना चाहते हो कि मेरी हैसियत तुम्हारे चपरासी जितनी है? इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, खुद ही तो कहते हो कि वो भी इंसान है, अब खुद ही ये बात कर रहे हो, तुम्हारा कुछ पता भी चलता है? फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। अच्छा अच्छा, इंसानी हमदर्दी के सिवा ये बात की है तूने, तुमने फिर ठीक किया है। अगर इंसानी हमदर्दी की बिना पर बात की है, इंसान तो बहरहाल मैं और चपरासी हैं ही, तुम्हारा अलबत्ता पता नहीं कि तुम क्या हो और किस जंगल से पकड़कर लाए गए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
तुम्हारा मतलब है मैं जानवर हूँ क्यों? फयाज ने नथने फैलाते हुए कहा। अरे मैंने कब कहा है, वैसे भी इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है और जानवर उसको कहते हैं जिसमें जान हो और जान तुम्हारे अंदर है ही नहीं। रेडी ने दुरुस्त कहा है कि तुमने बुजदिली का सबूत दिया है, तुम्हें चाहिए था कि उन्हें पकड़ लेते, इमरान ने कहा। अच्छा ठीक है, इस वक्त तुम जो चाहो कह लो, लेकिन मुझे बताओ कि वो कौन लोग थे, सुपर फयाज ने कहा। लेकिन इमरान ने कुछ कहना चाहा, फिर वही लेकिन, मैं कहता हूं बताओ कौन थे वो वरना, सुपर फयाज ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वरना क्या, इमरान भला इतनी आसानी से कहां बाज आने वाला था। वरना 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 कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं, वरना कुछ नहीं, सुपर फयाज ने आखिर इंतहाई बेबसी से कहा। तो इमरान उसकी इस हालत पर बेख्तियार हंस पड़ा। अच्छा अच्छा बस अब अपने होश में रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए। मुझे दरअसल सलमा बाकी और तुम्हारे बच्चों का ख्याल आ जाता है, तो सुनो, उनका ताल्लुक फोर स्टार्स से था, इमरान ने कहा और सुपर फयाज बेख्तियार उछल पड़ा। क्या क्या कह रहे हो, फोर स्टार्स? वो तो सरकारी तंजीम है, सीक्रेट सर्विस के चीफ के मातहत। वो मुझे क्यों इस तरह पकड़ने और हलाक करने की कोशिश करती, सुपर फयाज ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी उनसे बात हुई है, मैंने यही बात उनसे पूछी थी, उन्होंने बताया है कि उन्हें ये इत्तला मिली थी कि सुपर फयाज ने एक गुंडे और मुजरिम मास्टर के आदमी नजामत को भारी रकम देकर उससे रेड सिंडिकेट के खिलाफ कागजात खरीदे थे। इस तरह उनके ख्याल में के मुताबिक तुमने उस मास्टर और उस आदमी की सरपरस्ती की थी और ये उनके ख्याल के मुताबिक जुर्म है, चुनांचे उन्होंने तुम्हें अगवा कराया और फिर उन्होंने तुमसे सौदा करने की कोशिश की, लेकिन जब बावजूद यकीनी मौत को सामने देखकर तुम असूल पर डटे रहे तो उनका शक दूर हो गया और उन्होंने तुम्हें बेहोश करके वापस ऑफिसर्स क्लब पहुँचा दिया। मैं उनकी तरफ से माजरत करने आया हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह तो ये बात थी, लेकिन उन्होंने मेरे मुतल्लिक ऐसी बात सोची ही क्यों? वो मुझे क्या समझते हैं कि मैं मुजरमों से सौदेबाजी करूंगा, सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। उनके लीडर का कहना है कि उसे इत्तला मिली थी और उसने मुझसे भी फोन पर बात की थी, मैंने उसे बताया कि मैं सुपर फयाज के पास गया था लेकिन सुपर फयाज ने इस बारे में मुझे घास तक न डाली। इस पर उसका शक पुख्ता हो गया, अगर उस दिन तुम मुझे बता देते तो मैं उसकी तसल्ली करा देता और तुम्हें ये अजाब भुगतना ना पड़ता। वैसे वो तुम्हारी बड़ी तारीफें कर रहा था, कह रहा था कि सुपर फयाज बेहद बहादुर, दलेर और असूल पसंद आदमी है, उसने अपनी जान बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोला था, इमरान ने कहा और सुपर फयाज का चेहरा बेख्तियार मुसरत से जगमगा उठा। उसका शुक्रिया, लेकिन अब तुम्हारे डैडी को मैं क्या बताऊं, उन्होंने तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं करना, सुपर फयाज ने कहा। मैं उसे कह दूंगा कि वो सीक्रेट सर्विस के चीफ को जो रिपोर्ट दे तो उसमें इस बात का तफसील से जिक्र कर दे, फिर चीफ डैडी को इस बारे में खुद ही ब्रीफ कर देंगे, क्योंकि चीफ किसी की तारीफ करने में बुखल से काम नहीं लेता, इमरान ने कहा। ओह अगर ऐसा हो जाए तो वाकई मजा आ जाए, अगर पाकिश या सीक्रेट सर्विस का चीफ तुम्हारे डैडी से मेरी तारीफ कर दे तो समझो लुत्फ आ जाएगा, सुपर फयाज ने खुश होते हुए कहा। लुत्फ तो तुम्हें आएगा, मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ झाड़ और गेट आउट की धमकियां, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है क्यों, सुपर फयाज ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने क्या कहा है, अगर तुम उसे ब्लैकमेलिंग कहते हो तो ठीक है, मैं फोर स्टार्स के चीफ को कह दूंगा कि वो अपनी रिपोर्ट में तुम्हारा सिरे से जिक्र ही ना करे। बस अब तो खुश हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा।
देखो इमरान, मुझे मालूम है कि तुम काम नहीं करते, इसलिए तुम्हारे पास रकम नहीं होती और तुम पर कर्जा बढ़ जाता है, लेकिन तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल ना किया करो। जब भी तुम्हें ज़रूरत हो 1000-1500 वैसे ही मुझसे मांग लिया करो, सोफर फयाज ने कहा। ओह नहीं, इतनी बड़ी रकम तुमसे मांग कर मैंने तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं करना? इतनी बड़ी रकम तो तुमने कभी ख्वाब में भी ना देखी होगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे सामने फोर स्टार्स ने जेली अद्वियात के माल और मशीनरी के कागजात जाबर और मर्फी से वसूल किए थे, और ये माल करोड़ों रुपए का है, लेकिन तुमने उसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। क्या तुम्हें उन कागजात की जरूरत नहीं है कि तुम ये माल स्टोरों से बरामद करो और ट्राई एंगल तंजीम को गिरफ्तार करो? इमरान ने कहा। ओह हाँ, वाकई अगर वो फोर स्टार्स थे तो फिर तो ये काम वाकई हो सकता है। पहले भी जेली अद्वियात का सारा सिलसिला फोर स्टार्स ने ही मुझे दिया था, सुपर फयाज ने कहा। हाँ, और फिर तारीफें तुम्हारी छप गई अखबारात में, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम मुझे बताओ कि कौन है फोर स्टार्स का चीफ, मैं उससे खुद बात कर लूंगा, सुपर फयाज ने कहा। तुमसे उसकी बात हो चुकी है, अभी तुम खुद कह रहे थे कि वो इंतहाई जालिम और शफाक और नामुराद आदमी है, इमरान ने कहा। वो मुझे क्या मालूम था कि वो फोर स्टार्स ग्रुप है, मैं समझा कि वाकई रेड सिंडिकेट के लोग हैं, फयाज ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। असल बात यह है सुपर फयाज, के माल तो पकड़ा जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये धंधा मुस्तकिल तौर पर कैसे खत्म होगा, इस बारे में तुम्हारे जहन में कोई तजवीज है, इमरान ने कहा। हाँ, अगर तुम्हारे डैडी चाहें तो ऐसा हो सकता है, सुपर फयाज ने कहा, और इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब, वो क्या कर सकते हैं, इमरान ने हैरान होकर कहा। वो मुझे कहें मैं इंटेलिजेंस में जेली अद्वियात को ट्रेस करने का अलहदा सेल बना दूंगा, आखिर जेली करेंसी बहुत से दूसरे सेल काम कर रहे हैं, उनका काम यही होता है कि वो इस मामले में काम करते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई इतला मिलती है तो फिर उस जुर्म के खिलाफ पूरी कुव्वत से इंटेलिजेंस हरकत में आ जाती है, सुपर फयाज ने कहा। ओह वेरी गुड, ये तुमने वाकई बेहतरीन तजवीज दी है, अब डैडी से बात करनी पड़ेगी, इमरान ने कहा। उसे वाकई ये तजवीज़ पसंद आ गई थी, क्योंकि वो मुसलसल ये सोचता रहा था कि आखिर उसका मुस्तकिल सदेबाप कैसे किया जाए, क्योंकि फोर स्टार्स तो मुस्तकिल तौर पर यह काम नहीं कर सकते थे, इस ग्रुप के खात्मे के बाद ये काम फिर कोई और ग्रुप शुरू कर सकता था। उसने फैसला कर लिया था कि वो बहैसियत एक्स्ट्रो सर अब्दुलरहमान से बात करके उन्हें ये सेल बनाने पर रजामंद कर लेगा, लेकिन मेरी इस अच्छी तजवीज का मुझे क्या फायदा होगा, सुपर फयाज ने इमरान के लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहुत खूब, इसे कहते हैं हमारी बिल्ली और हमी को मियाओ, इमरान ने हंसते हुए कहा, तो सुपर फयाज भी बेख्तियार हंस पड़ा। ये लो वो कागजात, बड़ी मुश्किल से फोर स्टार्स को राजी किया है, वरना वो इस बार अकड़ गए थे कि वो खुद इस ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे, लेकिन मैंने उन्हें अपनी मुफलसी के लंबे चौड़े किस्से सुनाकर आखिर राम कर लिया है, इमरान ने जेब से लिफाफा निकालकर सुपर फयाज के सामने डालते हुए कहा। लेकिन एक मसला है, इन कागजात की बिना पर अगर मैंने छापे मारे तो फिर मुझे तुम्हारे डैडी को बताना पड़ेगा कि वो लोग फोर स्टार्स के थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात तस्लीम नहीं कर दी, और अगर तस्लीम कर ली तो उन्होंने यही कहना है कि फिर फोर स्टार्स ने मुझे ये कागजात दिए हैं, इस तरह मेरा सारा क्रेडिट खत्म हो जाएगा, सुपर फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर खाने की दावत दे दो तो तुम्हारा ये मसला भी अभी यहीं बैठे बैठे हल हो सकता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वादा रहा, जिस होटल में चाहो और जब चाहो, सुपर फयाज ने खुश होते हुए कहा। तो सुनो, क्योंकि तुम होश में रहे थे इसलिए तुमने उस मर्फी को पहचान लिया था,
और उसके ऑफिस के बारे में तुम्हें मालूमात मिल गई थी। तुमने वहां छापा मारा तो वहां के एक खुफिया सेफ से तुम्हें ये कागजात मिल गए और तुमने सारी कार्रवाई कर डाली। बाकी रही फोर स्टार्स के सिलसिले में बातचीत, वो मैं चीफ से कह दूंगा। वो डैडी से बात कर लेंगे कि तुम अपनी जान देने पर आमादा हो गए, लेकिन तुमने असूलों पर सौदेबाजी नहीं की। इस तरह सारे मामलात तुम्हारे हक में रहेंगे, इमरान ने कहा तो सुपर फयाज बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। मैं अभी कार्रवाई शुरू करता हूँ, सुपर फयाज ने कहा। अरे वो मेरी दावत, इमरान ने भी उठते हुए कहा। मरो नहीं, पहले ये काम मुकम्मल हो जाने फिर दावत भी खा लेना, सुपर फयाज ने कहा और स्टैंड से टोपी खींचकर उसने सर पर रखी और तेजी से चलता हुआ ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अरे इतनी भी क्या बेमुरवती, अरे सुनो तो सही, इमरान ने कहा, लेकिन सुपर फयाज ने उसकी एक ना सुनी और तेजी से दफ्तर से बाहर चला गया। अच्छा अब भुगतना मेरे साथ साथ, अब यतीम खाने के 1000 बच्चों को भी तुम्हें दावत खिलानी पड़ेगी, इमरान ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और खुद भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मजीद अच्छी अच्छी एपिसोड के लिए कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।